बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंतहापी मैदान में मौजूद है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरानी सियासी कुव्वत है जिसकी क़यादत ने पाकिस्तान के कोने कोने में टूटे फूटे पाकिस्तान को नए सिरे से जोड़ा। भारत की क़यादत से 93,000 क़यादी आज़ाद कराए और मुल्क को मकबूजा इलाके आज़ाद कश्मीर को शिमला मैदे की तरफ जिंदा रखा। और साथ ही उसके जो इंडिया ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों को कब्जा किया, वो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़हनी फरासत के साथ वापस लिए। और पाकिस्तान के नक्शे में उसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। और एक आम आदमी को फख्र महसूस होने पर मादा किया और पाकिस्तान को एक ऐसी एटमी कुव्वत बनाई जिसकी वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख भी डाली तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। मेरे जी दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो दौर के प्राइम मिनिस्टर में वापस आई, फिर बेनज़ीर भुट्टो ने दो बार सदार में आई और तीसरी बार आसफ अली ज़रदारी जो सदर पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान के नसीबों में लिखे गए। मेरे जी दोस्तों, अगर आसफ अली ज़रदारी की सियासत का देखा जाए, वो इस वक्त पाकिस्तान की जहाँ दीदा शख्सियत और सियासत से भरपूर किरदार अदा करने में माहिर हैं। मेरे जी दोस्तों, सियासत की अलख बे किसी ने सीखनी हो ज़रदारी साहब से सीखे। बाकी छोटी पार्टियाँ भी पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है, 8 फरवरी को इंतखाबात का दिन आ रहा है। और मेरे जी दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन आज़ादाना, गैर जानदाराना और हलात से शफाफ होगा। मेरे जी दोस्तों, जहां मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के सामने PTI का मुकाबला है, वहां मुस्लिम लीग की अक्सरियत सामने नज़र आ रही है। जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवार हैं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नज़र आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं मुल्क अजीज़ को एक पुरअज़म नौजवान क़यादत मुयस्सर आएगी और पाकिस्तान को आने वाले मसाइल जो दरपेश हैं उनको हल कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब फैसला आपने करना है, आपके वोट ने कौन सी पार्टी ऊपर लेकर आनी है। इसी के साथ, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना दायरे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और हस्ब आदत बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।